नैनीताल जनपद के हल्द्वानी महानगर में इंदिरा गांधी स्थित नगर निगम के ट्रंचिंग ग्राउंड के पास मुख्य सड़क पर कूड़े का ढेर हो गया है, जिसमें नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बुधवार देर रात भी नगर निगम के ट्रंचिंग ग्राउंड के पास नगर की कूड़ा गाड़ी ने सड़क किनारे कूड़ा फेंक दिया था, जिस पर 10,000 का चालान किया गया, जिसको लेकर नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नगर निगम को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही नगर निगम को आज नोटिस भी भेजा गया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है, इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। कूड़े को लेकर जल्द से जल्द सड़क से हटाकर ट्रंचिंग ग्राउंड के अंदर फेंका जाएगा। हाईवे पर ट्रंचिंग ग्राउंड का कूड़ा पड़ा हुआ है, नगर निगम को उस बीच में निर्देशित किया गया था कि उसको वो हटवाएंगे, वहां से हाईवे को क्लियर करेंगे। दुर्घटनाओं का खतरा भी उसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है। नगर निगम के द्वारा इसमें काफी धीमी गति से काम किया जा रहा था, जिसको लेकर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई। इसके क्रम में एक नोटिस नगर निगम को निर्गत करने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट को दिए हैं और नगर निगम को 5 दिन का समय दिया है इसको पूरा हाईवे से हटाने के लिए। यदि 5 दिन के अंतर्गत नहीं हटाया जाता तो नोटिस के क्रम में आगे फिर हम लोग फर्दर जो है एक्शन लेंगे नगर निगम के ऊपर। अभी नगर निगम ने ये आश्वासन दिया है कि इसको अगले कल से इसमें काम शुरू हो जाएगा और अगले 4 दिनों के अंदर अंदर वो इसको पूरा हाईवे से साफ कर देंगे। सर,